गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड चैप्टर है सेंटेंस, वो शुरू होने जा रहा है। उसके बारे में कुछ आपसे मतलब उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा है लाइक आई कार्टून्स और यहाँ सेकंड है इन द गार्डन। तो लाइक आई कार्टून्स ये कोई सेंटेंस नहीं है, क्लियर सेंटेंस नहीं। इसमें क्या कहा जा रहा है ये भी क्लियर नहीं है। ये बस वर्ड्स का ग्रुप है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये उसका ग्रुप है। इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे लाइक आई कार्टून्स इन द गार्डन, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इसे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलेंगे। सेंटेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, आई लाइक कार्टून्स मतलब मुझे कार्टून पसंद है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है, मुझे कार्टून पसंद है, तो इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा है मीना इज वॉकिंग इन द गार्डन, मीना जो है वो गार्डन में वॉक कर रही है। इसमें हमको समझ में आ रहा है कि कोई क्या कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पे तो नहीं समझ में आएगा लाइक आई कार्टून्स इन द गार्डन, ये बस वर्ड्स के ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे आई लाइक कार्टून्स मुझे कार्टून पसंद है और जो मीना है वो गार्डन में वॉक कर रही है, तो इसमें सेंटेंस क्लियर है। अब है डिफिनेशन क्या होती है सेंटेंस बोलते किसे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिससे हमें कोई बात समझ में आए, उसका कोई मीनिंग निकले, कोई मतलब निकले, उसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जैसे माई अम्ब्रेला मेरा छाता, ये एक वर्ड है, ये सेंटेंस नहीं है। अगर कोई बोल दे दिस इज माई अम्ब्रेला, ये मेरा छाता है, तो ये एक सेंटेंस होगा, ठीक है। फिर आता है फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से, मेरे घर से क्या, उसमें कुछ बता नहीं रहा है, ये बस वर्ड का ग्रुप है। अगर सेंटेंस बोले माई स्कूल इज फार फ्रॉम माई हाउस, जो मेरा स्कूल है वो मेरे घर से दूर है, तो ये सेंटेंस है, इसमें समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। उसके बाद स्कूल और प्ले ग्राउंड माई है, ये सारे इधर उधर वर्ड्स, ये इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है। माई स्कूल हैज अ प्ले ग्राउंड, मेरे स्कूल में एक प्ले ग्राउंड है, ये भी सेंटेंस है, इसमें भी समझ में आ रहा है। तो सेंटेंस किसको बोलते हैं, वर्ड का ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकले, कोई सेंस निकले, उसे ही हम सेंटेंस या हिंदी में उसको हम लोग वाक्य बोलते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज है, उसमें आपको सेंटेंस को टिक करना है कि कौन सा सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सुहाना इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो सुहाना है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसमें समझ में आ रहा है कि सेंटेंस इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, तो ये टिक हो जाएगा। हैप्पी आई एम वेरी टूडे, खुश मैं हूँ आज, ये इसका भी कोई सेंटेंस वो मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसको आप लोग क्रॉस कर देंगे। द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, इसका भी मीनिंग निकल रहा है, ये भी सेंटेंस हो जाएगा। इन द मार्केट, मार्केट में, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ये सारे एक्सरसाइज आप लोग को अपने बुक्स में करने हैं और ग्रुप पे आपको ये सेंड करना है। उसके बाद आता है सेंटेंस, हम लोग पहचानेंगे कैसे कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, कोई भी सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो हमेशा हम लोग सबसे पहले कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, स्मॉल लेटर से नहीं होती है, भले वो नाउन हो, वर्ब हो, कुछ भी हो, हमेशा वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप, और सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म होता है। शुरुआत हम लोग करेंगे कैपिटल लेटर से और जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो हम लोग लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में खड़ी पाई लगाते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो खत्म हो चुका है। इट कैन, जैसे कुछ कुछ होते हैं सेंटेंस की आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, जैसे एग्जांपल हो गया व्हाट इज योर नेम, इसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे, सवाल पूछा जा रहा है, तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा दिए। आप लोग अपनी कॉपी में भी कोई भी क्वेश्चन आंसर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में ऐसा साइन लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उसकी भी शुरुआत हम लोग कैपिटल लेटर से ही करेंगे, ये भी एक तरह का सेंटेंस है। आगे आप लोग को और भी बहुत सारे साइन के बारे में पता चलेगा कि सेंटेंस में और भी कौन कौन से साइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज में है मैच द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द टू कॉलम्स, यहाँ पे आप लोग को मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में इसकी जो और भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको बता दी जाएंगी।
तब तक ये जो दो एक्सरसाइजेस है वो लोग आप लोग अपने बुक में फिल करके उसको ग्रुप पे भेज दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।